हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास कितनी दौलत है, ये जानने की इच्छा तो काफ़ी लोगों को होती है कि जो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं पीएम नरेंद्र मोदी, इनकी कुल संपत्ति कितनी है और इनके पास कितनी दौलत है, ये जानने की इच्छा काफ़ी लोगों के बीच में होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पीएम मोदी के पास कितनी दौलत है और उनके पास क्या क्या है और किस प्रकार उनकी जो भी दौलत है उसे किस प्रकार से उन्होंने कितने हिस्सों में बांट रखा है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। तो चलिए बताते हैं हम क्या है पूरी रिपोर्ट। जी हाँ, पिछले 5 साल में 2014 के मुकाबले 2019 में पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी की जो संपत्ति है, चल और अचल संपत्ति मिलाकर उसमें कुल करीब 50% का इजाफा हुआ है। जी हाँ, 2014 के हलफनामे के मुताबिक जो पीएम नरेंद्र मोदी की संपत्ति थी उससे लेकर 2019 के हलफनामे में जो उन्होंने अपनी संपत्ति को दिखाया है, उन दोनों को अगर मिलाया जाए तो इन दोनों में करीब पीएम नरेंद्र मोदी की जो संपत्ति थी उसमें करीब 50% का बढ़ावा हुआ है। अगर बात की जाए पीएम नरेंद्र मोदी के कुल संपत्ति के बारे में, जो चल और अचल संपत्ति मिलाकर है, वो उनकी कुल संपत्ति 2,51,36,119 रुपये है। जी हाँ, और वहीं जब उन्होंने 2014 में हलफनामा दाखिल किया था तो उसके अंदर उन्होंने 1,65,91,582 रुपये दिखाए थे जो उनकी कुल संपत्ति चल और अचल संपत्ति मिलाकर हुए थे। तो वहीं जो उनके 2014 के हलफनामे के मुताबिक जो उनका गांधीनगर स्थित घर था उसकी कीमत उन्होंने 1 करोड़ रुपये दिखाई थी, तो वहीं इस साल उस घर की कीमत 10 लाख रुपए और बढ़ गई है। उन्होंने इस घर की कीमत 1,10,00,000 रुपए अपने हलफनामे में लिखी है। तो वहीं अगर बात की नरेंद्र मोदी के हलफनामे में जो उन्होंने दिया है उसमें कुछ अहम पॉइंट है, उसमें ये है कि उनके पास 4 सोने की अंगूठियां हैं जिनकी कीमत 1,13,800 रुपए बताई गई है, जबकि 2014 में इन अंगूठियों की कीमत 1,35,000 बताई गई थी। इस हिसाब से उनके अंगूठियों को जो सोने की अंगूठियां हैं उनकी कीमत 21,200 रुपए घटी है। और हलफनामे में जैसे कि हमने आपको बताया कि उनके हलफनामे में उनके बैंक की डिटेल के बारे में बात की जाए तो उनके SBI बैंक खाते में जो गांधीनगर में है उसमें 4,143 रुपये हैं, और वहीं FD की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी के पास 1,27,81,574 रुपये की FD है, और 7,61,466 रुपये की NSE है, और 1,90,347 रुपये की LIC है नरेंद्र मोदी के पास। अब वही बात क्या है नरेंद्र मोदी को लेकर, तो नरेंद्र मोदी ने अपने पैसों को निवेश भी कर रखा है, उन्होंने कंपनी के शेयर में भी पैसे लगा रखे हैं। जी हाँ, मोदी ने एक कंपनी में करीब 20,000 रुपये का शेयर लगा रखा है। अब बात की जाए कि नरेंद्र मोदी के पास कैश कितना है, तो नरेंद्र मोदी के पास कैश कुल मिलाकर 38,750 रुपये कैश है। कुछ ये डिटेल थे जो मोदी नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने जो अपना हलफनामा दिया है उनके हलफनामे से ये डिटेल सामने आती है कि उनके पास कितना कैश और उन्होंने कहाँ कहाँ इसको इन्वेस्ट किया है। अब जो हमने आपको बताया ये आंकड़ा तो उनके 2019 के जो हलफनामे हैं उससे है। अब बात किया 2014 में नरेंद्र मोदी के पास कितनी दौलत थी उसके बारे में, तो कैश था उनके पास 32,700 रुपये, और बैंक में जो रकम जमा थी वो थी 58,54 लाख रुपये, और कंपनी में शेयर 20,000 रुपये के थे, और NSE 2,35,000 रुपये की थी, तो वहीं LIC 1,99,000 की 2014 में उन्होंने शो किया था। अब ऐसे में तो ये देखा जा साफ सकता है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो खुद 1 करोड़पति हैं, क्योंकि उन्होंने खुद दिखाया है कि उनके पास 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी है। और वहीं जो हलफनामे को देखा जाए 2014 और 2019 को, तो 50% से अधिक की प्रॉपर्टी नरेंद्र मोदी की बढ़ी है। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।